सो अगर कोई सिंगर इसको गाए तो वो शायद ऐसा गाएगा ये पोएट्री को, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे अज रोयाया तुम रोए, कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, ये तो होगी सिंगिंग की बात। अब मेन क्या है इसकी, जो इसका जो टेक्स्ट है, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास से सच में पूछा जा रहा है। तो एज एन एक्टर हम कहते हैं ना यार प्लीज सच बता यार, लेकिन जब तक अगर मुझे सच में मैं पूछूंगा नहीं, प्लीज सच बताओ यार क्या कर रहा है, जब तक एक एक्टिंग करना, प्लीज सच बताओ, प्लीज सच बताओ, अभी एक्टिंग करना हुआ लेकिन उस मोमेंट में रहना नहीं हुआ, प्लीज सच बताइए ना। तो अगर इस पोएट्री को अगर एक एक्टर गाएगा, अभी हारमोनियम का यूज नहीं करेंगे, कालिदास सच सच बतलाना, ये टेक्स्ट ही है जिसको हम थोड़ा सिंगिंग फॉर्म में कर रहे हैं, इंदुमती के मृत्यु शोक पे अज रोयाया तुम रोए, कालिदास सच सच बतलाना। वर्षा ऋतु की गाने में होगा, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध। तो ये एक बेसिक प्रैक्टिस है, ऐसा बहुत कम बार होगा कि जब हमें कैमरे के सामने कुछ ऐसा कैरेक्टर करने को मिलेगा जिसको संगीत की समझ होगी, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा म्यूजिक की नॉलेज है तो हम अपनी स्पीच को और हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसके जो पंक्चुएशन है, जो भी हम कॉमा लगाते हैं या फिर किस लाइन को अंडरलाइन करना है, वो हमें एक टाइमिंग समझ में आएगी। जैसे एक अंग्रेजी स्पीच को जैसे हम क्या डिपिक्ट करते हैं कि ऐसा ही बोला जाता है वो, कि जो एक स्टाइल बनाया है ना अमेरिकन, जो भी स्टाइल है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज नोबलर इन द, ये तो उनका है, ये हमारा तो है ही नहीं। स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून टू टेक आर्म्स अगेंस्ट टू सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय पोजिंग एट देम, लेकिन एक इंडियन आदमी कैसे इसको कोशिश कर सकता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, whether it is nobler in the mind to suffer. So speech के लिए तो पहले हमें कुछ टेक्स्ट तो हमारे पास होने चाहिए जिसका हम प्रैक्टिस करें, चाहे वो किसी फिल्म का ले लें या फिर किसी प्ले का ले लें। और फिल्म का अगर हम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि जो भी जितने भी बॉलीवुड की फेमस स्पीचेस है, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स ने किए हैं, सबसे पहले तो वो जो इम्प्रेशन हमारे पर आता है ना, हम बिना चाहे हुए भी क्या करने लगते हैं, वो स्पीच की हम नकल करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं, मिमिक्री होने लगता है कि जैसा उस एक्टर ने बोला है, जैसा इरफान ने बोला है या नसीर ने बोला है या ओम पुरी जी ने बोला है, वैसे ही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा अपना क्या है, तो उस स्पीच को हम लिख तो लें लेकिन उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करें कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है। सो स्पीच के लिए ये पोइट्री पढ़ना बड़ा ज़रूरी है और साथ में इन टेक्स्ट को कुछ याद करना बड़ा ज़रूरी है और म्यूज़िक की एक बेसिक समझ, सारे गा मा पा धानी सा सानी धा पा मा गा रे सा, तो सा टू बी और नॉट टू बी, रे टू बी और नॉट टू बी, गा टू बी और नॉट टू बी। तो अपना सुर में फिक्स कर रहा हूं कि अगर 10,000 लोगों के सामने है और हमें परफॉर्म करना है, भले माइक भी लगा है, देन टू बी और नॉट टू बी, ये होना थोड़ा मुश्किल है, वो एक आवाज तो बढ़ेगी उसमें, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। तो अब ये किस सुर पे है, ये मुझे एज एन एक्टर तो पता होना ही चाहिए कि मेरा एज एन एक्टर मेरा सुर क्या है। सिर्फ सिंगर का ही नहीं, एक्टर का भी एक सुर होता है, और फिर वो अलग चीज़ है कि वो डायरेक्टर किस हिसाब से डायरेक्ट कर रहा है, वो स्टोरी लाइन क्या है, वो गिवन सर्कमस्टांसेस क्या क्या है ना। सो थैंक यू।